الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. هنا شاه صاحب، هنا شاه. पता भी मिल जाएगा आपका भाई की पिछले दिनों सालगिरह भी हुई और तकरीबन फनकार जो है उसमें मौजूद है और आपका भाई ने बड़ा शुक्रिया अदा किया था उनका। तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, तशरीफ लाएंगी हुमा खान। सामने देखिए राशि भाई जी को अवार्ड से नवाजा जा रहा है पाक यंग सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। अपनी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, तशरीफ लाएंगे अनीस पाशा। तारुफ करा दूं मिशन न्यूज के हवाले से, जितने भी प्रोग्राम्स की कवरेज होती है ड्रामों की, रिहर्सल्स की या दीगर जो हमारी तकरीबात होती है फनून लतीफ़ा के हवाले से, शाहिद साहब अपने कैमरामैन और एंकर्स के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं, तकरीब की कवरेज करते हैं, उसे सोशल मीडिया पे चलाते हैं, वेबसाइट्स पे चलाते हैं, सबकी प्रमोशन करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम भी अपने हाथों को जुम्बिश देकर इनसे अपनी मोहब्बत और अपनी का एहसास करें। और शाहिद साहब को अवॉर्ड, आप बीच में खड़े हो रहे हैं, चलो ठीक है पास में। आपकी तालियों में तशरीफ लाएंगे रज़ाक पटनी। रतन भाई तालियों में तशरीफ लाएंगे औरंगजेब शहजाद साहब। औरंगजेब शहजाद जी हाँ, इधर देखिए सामने ले लीजिए, सामने देखिए सर, थोड़ा सा भैया अरे सामने इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है तब्बो वेलफेयर सोसाइटी की रुए रवा मोहतरमा अफरोजिया तबस्सुम साहब। सैयद राशिद फातिमी, जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा जारा शाह, और अभी अभी मुझे पता चला है कि इस इदारे की कोऑर्डिनेटर हैं इरमा अहमद। इरमा अहमद इस इदारे की कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ एडवाइजर हैं मोहतरमा सदफ कादिर साहब। ये अवार्ड जाएगा हमारी टेलीविजन थिएटर और फिल्म की वर स्टाइल और खूबसूरत आर्टिस्ट। पुरजोर तालियों में तशरीफ लाएंगी एक मरतबा फिर मोहतरमा फातमी आर्ट प्रोमोटर की जानिब से बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड वर्दा शांजे के लिए। इस सदफ कादिर साहिबा के लिए है, तालियां बजाइएगा। सदफ कादिर खड़े
अच्छा काम किया था। तो ये अवार्ड भी राशिद भाई आगा साहब अपने दस्ते मुबारक से, आरिफ साहब ये दो अवार्ड मारिया की तरफ गए जी। ठीक जी, मारिया पहले कुछ कह दें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी एक फ्रेंड बहुत अच्छी, बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पर बैठी हुई हैं, उन सबको हाय 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 हाय। और कि आज अंधेरा है तो क्या हुआ, कल रोशनी है, भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी नायाब कमाल। आपकी जो एनजीओ है जी, रोटी घर जी, उसकी आप रूहे रवा हैं और आप बहुत नेक काम, बहुत नेक मिशन लेकर चल रही हैं जी, और गरीबों की, मुस्तहकीन की इमदाद कर रही हैं, उनके दुख दर्द को शेयर कर रही हैं, उसी की खिदमात पर अल्लाह तो अजर देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं। मैं चाहूंगी आप लोग मेरी रोटी घर में विजिट करें जी, और हम वहाँ पे है ना 2 रुपए की रोटी और सालन फ्री देते हैं गरीबों के लिए, कि उनको 2 रुपए इसलिए लेते हैं कि उनको इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर है, कि इनको वो ना लगे कि हम लोग बिल्कुल इनको फ्री में दे रहे हैं ना, तो 2 रुपए लेने का मकसद हमारा ये है, और इनको सालन फ्री में देते हैं और हम 500 जाने को खिला रहे हैं ना। इस अवार्ड के हवाले से क्या कहेंगे? बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवार्ड के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नायाब, दोनों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। और जो एनजीओ चला रही हैं उसका नाम रोटी घर है, उसकी ये रूहे रवा हैं और इन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने रोटी घर में 2 रुपए की रोटी और सालन उसके साथ फ्री रखा है, ताकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहे। और माशाल्लाह 500 अफराद जो है वो रोटी घर में रोज आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें रिस्क से नवाजता है, और उसका वसीला है नायाब वेलफेयर, और यकीनन अल्लाह ताला इस नेक काम का इनको अजर देगा। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे इदारों की भरपूर हौसला अफजाई, पजीराई और इनके हाथों को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नायाब। सब ने अपनी फैमिली के हमरा इस ड्रामे को देखने आना है। नाना हो गया दीवाना, खाना हो गया दीवाना। नहीं बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक, हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा सा प्ले आप लोगों के लिए तैयार करें। रिहर्सल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह कल से, तो आप लोग देखने जरूर आइएगा, बहुत मजाकिया ड्रामा है, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, पैसे वसूल हो जाएंगे आपके तो आइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया इरफान अहमद, क्या कहेंगी? बस मैं ये कहूंगी कि ये ड्रामा बहुत अच्छा जाए, सुपर टूपर हिट जाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह सब बहुत अच्छा काम करें, आमीन सुम्मा आमीन। ड्रामे के हवाले से बात ये करनी है कि ड्रामा ऑब्वियसली हमारा पहला नहीं है, लेकिन ये कि मुझे खुशी इस बात की होती है कि एक ड्रामा जब मैं थिएटर करता हूँ तो उसमें मेरे साथ बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद होते हैं। एज के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, काम के हवाले से कह रहा हूँ कि मारिया खान हमारे थिएटर इंडस्ट्री का बहुत पुराना, बहुत बड़ा नाम है, और मैं शायद बड़ा लकी हूँ इस मामले में कि मैंने थिएटर जब किया तो मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। आज लोग उनके साथ काम करने को काम करने के जस्तजू में होते हैं कि मारे के साथ हम काम कर सकें, लेकिन मैं शायद वो लकी आदमी हूं कि जब भी मैंने काम किया थिएटर में, अच्छा थिएटर, तो मारिया मेरे साथ रही हैं, और इंशाल्लाह जब भी हम थिएटर करेंगे अच्छा, मारिया हमारे साथ होंगे। बाकी टीम यामिन भाई हमारे साथ हैं जो हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, और माशाल्लाह इनकी मैं दिल से कदर करता हूं, और हमेशा ही मुझे अपने अच्छे लफ्जों में, अच्छी मोहब्बत में याद रखते हैं, और इंशाल्लाह ये टीम हमारी हमेशा कायम रहेगी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया और आरिफ शेख जब हमारे साथ हैं तो फिर ड्रामे की क्या बात है। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप जरूर आइएगा ड्रामा देखने 27 नवंबर को 9:30 बजे, जरूर आइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, मेहरबानी, थैंक यू। राशिद सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक बेसिकली गवर्नमेंट के दायरे से है, आज ही कराची पहुंचे हैं सुबह, और ये आज हमारी तकरीब में शरीक हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ नदीम साहब हमारे दोस्त और शरीक हैं, और राशिद भाई, आसिम साहब भी साथ में, आइए आसिम भाई इधर आ जाए, आ जाए आप भी आ जाए। ये माशाल्लाह सिद्दीकी साहब, पूरी टीम साथ आई है इनके, और सिद्दीकी साहब के हवाले से मैं एक बात कहूंगा, इनका ताल्लुक तो बेसिकली एफबीआर से है, लेकिन ये कि मैं आर्टिस्ट होते हुए मेरे साथ इनकी बड़ी कोऑपरेशन रही है, और अनकरीब इनका एक मैं शो करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद,
जिसके लिए ये मैं खसूसी तौर पे ये चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं उनके लिए कोई मैं ऐसी एनजीओज बनाऊँ जो कि आर्टिस्टों की हेल्प करे, और मतलब ये कि आइंदा भी कुछ गम खुशी होती है लोगों को, है एनजीओस के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई ऐलान आइंदा किसी तकरीब में गिफ्ट देते हुए। आपकी तवज्जो का मुस्तहिक हूं, राशिद फातमी साहब को अवार्ड देंगे। राशिद सिद्दीकी साहब प्लीज। उनके लिए स्पेशल एक गिफ्ट है राशिद सिद्दीकी साहब की तरफ से। राशिद भाई आप जावला को प्लीज। जावला, हाँ जावला साहब, ये जावला। किसी का हाथ भी दिया मैंने यार। ये भूल गया मैं, आगा शिराज के लिए राशिद सिद्दीकी साहब की तरफ से एक छोटा सा एक मासूम सा गिफ्ट है जो कि शिराज को देना चाह रहे हैं। शिराज साहब आप एक्सेप्ट करेंगे प्लीज आप? मासूम है तो करना। ये तुम रखो। अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं एक्चुअली फ़न और फनकार लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फ़न हमेशा बढ़ता रहता है लेकिन फनकार जब अपनी एज को पहुंच जाते हैं तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जो हमें सारी ज़िंदगी हंसाते रुलाते खिलाते हर चीज़ करते हैं, लेकिन जब खुद इस उम्र में आते हैं जिनकी तवज्जो हम वो रखें लेकिन वो उन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, ना ही कोई देखता है, तो उस वक्त जो तवज्जो हमें देनी चाहिए लोग उन्हें भूल जाते हैं। तो उनके लिए मैंने एक एनजीओ ऑर्गेनाइज की है जिसमें फ़न और फनकार दोनों हमेशा हमारे बीच में रहें, जिंदा हों तब भी और जब जिंदा ना रहें तब भी, और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ जो आज हमारे बीच में हम उनके लिए भी करना चाहेंगे और जो हमारे बीच में नहीं है हम उनके लिए भी कुछ करना चाहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ऐसा कि ये प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं वो होने चाहिए कि सारे आर्टिस्टों के साथ बैठ के मिल के उनके दुख और सुख के साथ होना चाहिए सारा कुछ। और जो डॉक्टर फौजिया प्रोग्राम रख रही हैं उसमें भी इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, और ये जो एनजीओ के हवाले से और सिद्दीकी भाई भी साथ होंगे हमारे बिल्कुल उसमें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको एक प्रोग्राम आपको नज़र आएगा जो एनजीओ के हवाले से जो टीवी एक्टर्स के लिए जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा। थैंक यू सर। हमारे सिंध की जो रिवायती सकाफत है वो नेमतुल्ला पवार साहब को पार्टी आर्ट प्रोमोटर की जानिब से, और जनाब राशिद सिद्दीकी साहब इनके भी हम बेहद मशहूर हैं, उन्होंने भी इस पसी सिद्दीकी साहब की। नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़े से हट जाएंगे ना तो थोड़ी दूर दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है।
जी सर।